हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल स्टोरी। मैं नेहा, मैं भास्कर और हम निकल चुके हैं एक नई ट्रैवल स्टोरी बनाने। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि हम लोगों ने दर्शन किए केदारनाथ भगवान के, और अब हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ भगवान की दर्शन की यात्रा में। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए। आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। लेट्स गो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा को पूरा किया और अब हम बढ़ चले हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। हमने अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा सोनप्रयाग से प्रारंभ की। सोनप्रयाग से आप शेयरिंग टैक्सी या बस से बद्रीनाथ जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का किराया 1000 रूपए और बस का किराया 700 रूपए प्रति व्यक्ति है। आप चाहें तो अपनी यात्रा हरिद्वार से भी शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से आपको बद्रीनाथ जाने वाली बस आसानी से मिल जाएगी। उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद आखिरी में बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है। तो ज्यादातर लोग सोनप्रयाग से ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा को पहुँचते हैं। भारत के चार धाम में से एक बद्रीनाथ मंदिर हिमालय की गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। केदार घाटी से निकलने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ मंदिर के सामने से बहने वाली अलकनंदा नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के बीच लगभग 225 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें हमें लगभग 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं, और अगर गाड़ियों का जाम लग जाए तो ये समय और भी बढ़ जाता है। इसी रास्ते में हमें मिलता है गोविंद घाट, जहाँ से हेमकुंड साहिब 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते हमें रात के 10 बज चुके थे, जहाँ पर हमने GMVN के द्वारा GMVN यात्री निवास में पहले से बुकिंग की हुई थी, जिसका एक दिन का किराया 700 रुपए प्रति व्यक्ति था, जिसमें रात का खाना भी शामिल था। खाना खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। बद्रीनाथ धाम भी केदारनाथ धाम की तरह बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी बहुत ठंड रहती है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी है -2 डिग्री टेम्परेचर। तो हम चल पड़े हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। मंदिर खुलने का समय सुबह 4:30 से दोपहर 12 बजे तक है, फिर दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। दोबारा से मंदिर 3 बजे से रात 9 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। जैसे जैसे गलियों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, हमें भीड़ और बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और हमें तब महसूस होता है कि हमें शायद और थोड़ा जल्दी आना था। और जैसे ही हम एक और मोड़ मुड़ते हैं, हमें दिखाई देते हैं बद्रीनाथ धाम की पहली झलक, जो कि नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच बना है। और ये जो नीचे नदी बह रही है, ये है अलकनंदा नदी, और जस्ट उसके ऊपर वहाँ पर जो दिख रहा है, ये है गर्म पानी का कुंड, और सामने है बद्री विशाल भगवान का मंदिर, जो कि है चार धामों में से एक। जय हो बद्री विशाल भगवान जी। तो बस अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत है।
अब हम लोग अलकनंदा नदी पर बने पुल पे चलते हुए तप्त कुंड यानी कि गर्म पानी के कुंड के पास जा रहे हैं। सभी भक्त भगवान के दर्शन से पहले इस कुंड में नहाते हैं। इस पानी में सल्फर होने के कारण पानी का टेम्परेचर पूरे साल भर 55 डिग्री रहता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे, तभी भगवान विष्णु को ठंड लगने लगती है और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी बेर के पेड़ का रूप लेकर उनकी रक्षा करती हैं। लक्ष्मी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रीनाथ रखा, क्योंकि बेर को ही संस्कृत में बद्री कहा जाता है। बाद में आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ धाम को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। बद्रीनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद ही भव्य और बहुत सारे रंगों से बना हुआ है, जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही हमें दिखाई देता है मुख्य मंदिर, जिसमें भगवान बद्रीनाथ की 1 फीट की शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति है, जो बद्री वृक्ष के नीचे एक सोने की छतरी में स्थित है। यहाँ भगवान पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं और उनके एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र दिखाई देता है और अन्य दो हाथ गोद में योग मुद्रा में हैं। भगवान बद्रीनाथ के ठीक सामने उनके वाहन गरुण पक्षी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के चारों तरफ बेहद खूबसूरत और जटिल नक्काशी की गई है। बद्रीनाथ मंदिर अप्रैल और मई में आने वाली अक्षय तृतीय से नवंबर तक भक्तों के लिए खुला रहता है। नवंबर में मंदिर बंद करने के दौरान अखंड ज्योति घी से भरा एक दीपक जलाया जाता है, जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है और अगले 6 महीने के लिए भगवान की छवि को जोशी मठ के नरसिम्हा मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।